आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे। देखो अच्छी आदत क्या करता है, अच्छी आदत जो है कि नहीं, हम लोगों के जीवन को, हम लोगों के जिंदगी को क्या बनाता है, सुखी बनाता है। क्या बनाता है? सुखी बनाता है। और क्या करते हैं, और हम लोग जल्दी से क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, जल्दी से हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, समझे। तो आप अच्छी आदत जो है कि नहीं हम लोग कहाँ कहाँ सीख सकते हैं, कहाँ सीख सकते हैं। पहला बात तो हम लोग कहाँ सीखते हैं, अपने माता पिता से सीख सकते हैं। किससे? अच्छी आदतों को हम लोग पहले अपने माता पिता से हम लोग सीख सकते हैं। दूसरा कहाँ सीख सकते हैं हम लोग, दूसरे हम लोग विद्यालय में, कहाँ में, विद्यालय यानी स्कूल में हम लोग अच्छी आदतों के बारे में सीख सकते हैं, है कि नहीं। कौन बताएगा अच्छी आदतें स्कूल में? आपके गुरु, आपके टीचर आपको अच्छी आदतों के बारे में बताएगा कि कौन सा अच्छी आदत है और उसको कैसे उस पर चलना है, है कि नहीं। समझ गए यहाँ तक? अब अच्छी आदतें हम लोग आज तो हम लोग क्या करेंगे, पांच अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो इस पर अगर हम लोग चलेंगे, इसको मानेंगे आज से, अगर हम लोग चलेंगे ना, तो क्या होगा, इंशाल्लाह हम लोग कुछ ही सालों में एकदम अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छा लड़का बन जाएंगे और बड़ा होकर अच्छा एकदम कामयाब आदमी बन जाएंगे। तो पहला क्या हम लोग का, स्वच्छता। क्या है पहला नियम है हम लोग का? स्वच्छता। स्वच्छता मतलब सफाई। क्या है? सफाई मतलब सफाई रखना। क्या करना? सफाई रखना। तो पहले हम लोग सफाई किसको रखेंगे? सफाई पहले हम लोग अपने आप को क्या करेंगे? सफाई रखेंगे। अब सफाई कैसे कैसे रखेंगे अपने आप को? हम लोग दिन में कम से कम एक बार क्या करेंगे? नहाएंगे। क्या करेंगे? नहाएंगे मतलब स्नान, स्नान करेंगे। और क्या करेंगे दिन में हम लोग कम से कम कितना बार? दो बार क्या करेंगे? दो बार ब्रश करेंगे, एक सुबह में और एक रात को। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग अपने बालों को और अपने बालों को और किसको? अपने नाखूनों को हम लोग 8 दिन में या 15 दिन में समय समय पर क्या करेंगे? इसको काटते रहेंगे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? और क्या करेंगे हम लोग? हम जो भी कपड़ा पहने, जो भी वस्त्र को पहने, उसको धोकर पहने और साफ कपड़ा, साफ सुथरा हम लोग क्या पहने? कपड़ा पहने। मेला कपड़ा नहीं पहने। मेला गंदगी कपड़ा पहनने से क्या हो जाएगा हम लोग का? बीमार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। समझ में आया? ये अपना हो गया। इसके अलावा हम लोग कैसे स्वच्छता रख सकते हैं, साफ कैसे रख सकते हैं? जिस रूम पे रहते हैं या जिस घर पर रहते हैं उसको अपने से, माँ बाप नहीं, अपने से, अपना ही फर्ज है, हम अपने से क्या करेंगे? उसको साफ सुथरा वहाँ उस जगह को रखेंगे। और अपने आसपास में जो भी गली गलौज, जो भी सड़क है, उसको भी हम लोग क्या रखेंगे? साफ सुथरा रखेंगे। और कहीं भी हमारे आसपास में पानी जो है, पानी को जमने नहीं देंगे, है कि नहीं। और जो भी कूड़ा है ना, अपना घर का जो कूड़ा है, उसको क्या करेंगे हम लोग? हो सके जो कूड़ादान है ना, डिब्बा जो आता है डस्टबिन, तो वो कूड़ा को क्या करेंगे हम लोग? पूरे दान में डालेंगे, यानी उस पर रख देंगे। तो ये क्या होगा, हम भी खुद साफ सुथरा रहेंगे, हमारे घर भी साफ सुथरा रहेगा, हमारे आसपास भी साफ सुथरा रहेगा, तो कोई भी बीमारी नहीं होगा। समझ गए? तो उसको मानेंगे हम लोग। यस। अगला क्या है? भोजन। क्या है दूसरा हम लोग? भोजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खाना। क्या कहते हैं? खाना। तो हम लोग क्या करना चाहिए, कम समय पर क्या करना चाहिए? हम लोगों को खाना चाहिए। क्यों खाना क्यों चाहिए, भोजन क्यों चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार एक गाड़ी को चलने के लिए, मोटरसाइकिल को चलने के लिए क्या चाहिए उसको? पेट्रोल चाहिए। उसी प्रकार एक आदमी को काम करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या चाहिए उसको? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। तो ताकत कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? पेट्रोल से। कहाँ से? वो आपको भोजन से। किससे मिलेगा? खाना से मिलेगा। तो क्या करें, कैसे भोजन करेंगे हम लोग? हम लोग समय समय पर नियमित रूप से हम लोग क्या करेंगे? भोजन करेंगे। नियमित रूप का माने कि आज क्या, अगर खाना हम लोग क्या खाए, सुबह का खाना अगर 8 बजे खाए, तो कल भी क्या करेंगे? 8 बजे खाए, परसों भी 8 बजे, और दोपहर का खाना अगर 2 बजे खाए, तो कल भी 2 बजे, परसों भी 2 बजे, शाम का, रात का खाना अगर हम लोग क्या खाएं? 9 बजे खाए, तो कल भी क्या बजे खाएंगे? 9 बजे, परसों भी क्या बजे खाएंगे? 9 बजे खाएंगे। इस तरह खाने से क्या होगा, हम लोग कोई भी पेट में कोई भी हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा।
तीसरा बात इसी में, जो भी हम लोग भोजन करें या जो भी पानी पिए तो हम लोग क्या करेंगे, ढका हुआ भोजन खाएंगे और शुद्ध खाना खाएंगे, गंदा खाना नहीं खाएंगे, बासी खाना नहीं खाएंगे, हमेशा कम खाएंगे लेकिन ताजा खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। अच्छा खाने का मतलब क्या है, बिरयानी गोश्त मच्छ नहीं, सब्जी वाला खाना, कौन बोला सब्जी, जिसमें दाल दाल हो, चावल हो, रोटी हो, मटर हो, भिंडी हो, हरा सब्जी हो, ये सब क्या है, ये सब खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पेट का होने ही होगा, समझ में आया। और खाने से पहले और खाने से बाद में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छी तरह से अपने हाथों को अच्छी तरह से हम लोग धोएंगे, खाने से पहले और खाने के बाद, समझ गए खाने का नियम। तीसरा अभिवादन, क्या कहते हैं अभिवादन, मतलब क्या कहते हैं कि इज्जत करना, क्या करना है, इज्जत करना है, सम्मान करना। जब भी मेरे घर पर या आपके स्कूल पर कोई भी अगर बड़ा आए है कि नहीं, जो भी बड़ा है तो क्या करना चाहिए, उसका हमेशा उसको सलाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर घर पर कोई आए, अगर कुर्सी चेयर है, बेरिंग चेयर है, तो उसको क्या करने देना चाहिए, उसको और बैठने देना, उसको बैठने देना चाहिए। ये क्या है, इसका अभिवादन का नियम है, समझे। और जो भी दोस्तदारी है उससे क्या करना चाहिए, उससे हाथ मिलाना चाहिए और उसको एक दूसरे को सलाम करना कहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उससे आप कहकर, क्या करना चाहिए, आप कहकर बात करना चाहिए। अगर आपसे बड़ा है ना तो उसे कैसे बात करोगे, आप कहकर बात करोगे, और जो आपसे छोटा है उसे कैसे, तुम कहकर पुकार सकते हो, है कि नहीं, समझ में आया। तो बड़ों का क्या करना चाहिए, बड़ों का हम लोगों को इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और जो छोटा है उससे प्यार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, समझ गया। और क्या, जब भी क्लास में या जो भी कोई काम है ना, तो दूसरे का अगर कोई सामान लेता है, कॉपी लेता है या कलम लेते हैं या किताब लेते हैं, तो हम लोग बिना पूछे नहीं लेंगे, उससे लेंगे तो क्या कहेंगे, पहले कि पूछ के लेंगे, क्या कहेंगे कि कृपया, क्या कहेंगे, एक शब्द आएंगे, कृपया अपना कलम दीजिए, कृपया आपका कॉपी दीजिए, कृपया आपका किताब दीजिए, कृपया मतलब मेहरबानी, प्लीज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लीज, तो ये लगाना जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा जब हम लोग कभी राइटिंग दिखाते हैं या जब हम लोग स्कूल से निकलते हैं, किसी को धक्का मुक्की लग जाता है, क्या होता है, धक्का मुक्की लग जाता है या कोई गलत काम हो जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए, अगर गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए, अगर इंग्लिश में कहना चाहते हो तो क्या कहोगे, कि सॉरी, क्या कहो उसको, सॉरी, और हिंदी में कहो तो क्या कहोगे, माफ़ कीजिए, क्या करना चाहिए, माफ़ कीजिए। अब जैसे हम इधर से जा रहे हैं, किसी को लग गया, अब हम बड़ा है और छोटा है, तो कुछ नहीं कहेंगे, क्या करना चाहिए, उसको कहो कि माफ़ कीजिए, क्या करना चाहिए, माफ़ कीजिए कहना चाहिए, समझ में आया। तो इस सब बात को करो, इस सब उपयोग में लाओ, प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा जब भी क्लास में रहो तो क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए, जो भी लड़का लड़की हो, जो भी हो, आपस में मिलजुल कर, क्लास में नहीं, घर पर भी आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई कहीं चला जाता है, कोई आता है, कोई नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आए तो खाली आप उसको हम कॉपी नहीं देंगे, उसको बताएंगे नहीं क्या क्या दिया था, उसको क्या करो, अगर वो नहीं पूछता तो तुम क्या करो, उसको बता के दो कि सर ने ये काम दिया, ये काम करने के लिए कहा था, ये बनाने बोला था, तो आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये हो गया, ये मेरा फेवरेट है, ये क्या है, आई लाइक दैट, ठीक है नहीं, सबसे मेरा फेवरेट व्यायाम मतलब कसरत, व्यायाम मतलब कसरत, है कि नहीं। तो शरीर को तरोताजा, फुर्तीला, तेज, मजबूत और माइंड को पूरा एकदम स्फूर्तिदायक, तेज अगर रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, समझे। व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा जो मांसपेशी है, मांसपेशी मतलब जो गोश्त है, चमड़ा है और जो हड्डी है, वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है कि नहीं, व्यायाम करने से, समझे, है कि नहीं। और कभी भी आपको शरीर में क्या नहीं आएगा, आलसीपन नहीं होगा, आलसी एकदम आएगा ही नहीं, क्या करने से, व्यायाम करने से। आप बोलोगे सर व्यायाम कैसे करें, तो व्यायाम कैसे कर सकते हैं हम लोग, सुबह में या शाम में हल्का फुल्का क्या कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं 10-15 मिनट। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, रस्सी है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे करके रस्सी को हम लोग 60 बार, 100 बार, 200 बार, आज 290 बार कूदे, कितना बार, 290 बार, तो ऐसे आप लोग क्या रस्सी कूद सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, सुबह में और शाम में 15-20 मिनट के लिए खुली जगह में, कहाँ में,
खुली जगह में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शेयर मतलब टहल सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। टहलने से क्या होता है, तुम्हारा जो याददाश्त है ना, मेमोरी जो है ना, मेमोरी जो हम लोग याद करते हैं, वो याद करने का तरीका ना तीन गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना? तीन गुना बढ़ जाता है। समझ में आया कितना चीज है टहलने से? ये है किसका? व्यायाम का। लास्ट में आया विश्राम। क्या जा? विश्राम, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? आराम करना। क्या कहते हैं? आराम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्ट। क्या करना? रेस्ट करना। तो जितना हम लोगों को काम करना जरूरी है, जितना पढ़ना जरूरी है, जितना लिखना जरूरी है, उतना ही क्या जरूरी है, हम लोग को आराम करना भी जरूरी है। जिस प्रकार एक अगर मोबाइल को चलाए, अगर मोबाइल को चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका पूरा मोबाइल एकदम गर्म हो जाएगा। गर्म हो गया क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार जब शरीर अगर पूरा काम खाली कराओगे, काम कराओगे, तो शरीर भी क्या हो जाएगा, पूरा थक जाता। क्या होता है? पूरा एकदम थक जाएगा, और इससे काम वाम होगा नहीं। लेकिन जैसे हम लोग क्या करेंगे, फिर आराम करेंगे। क्या करेंगे? आराम करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगले दिन के लिए फिर दोबारा क्या हो जाएगा, फिर ये तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर अगले दिन के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ में आया, है कि नहीं? तो आराम कैसे कर सकते हैं हम लोग, रेस्ट कैसे कर सकते हैं, विश्राम? रात में कम से कम हम लोगों को 7 से 8 घंटा, कितना? 7 से 8 घंटा रोजाना क्या करना चाहिए? सोना चाहिए, कि नहीं? सोने से क्या होता है, फिर हमारा अगले दिन सही से काम कर सकते हैं। और विज्ञान ने बताया, साइंस ने बताया कि बहुत सारे जो बीमारी है ना, सोने से भी क्या होता है, खत्म अपने आप हो जाता है। कभी देखना कि आप लोगों का सर अगर दर्द कर रहा है, आराम से 1-1.5 घंटा सो जाओ, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, आपका सर दर्द खत्म हो जाता है, है कि नहीं? तो इस सब अगर बातों हम लोग मानेंगे, तो हमेशा हम लोग जीवन में क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, यानी खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे, सुख रहेंगे। समझे? तो मानेंगे इस बात को? मानेंगे जी? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।